During hearing of a court case, the judge suspected that some changes in the documents had been carried out. He asked the forensic department to check the ink used at two different places. According to you, which technique can give best results? तो मतलब आपको जज को ये लग रहा है कि जो दो डॉक्यूमेंट्स यूज हुए उसमें इंक डिफरेंट है, मतलब इंक डिफरेंट है तो उसके इंक के कलर के कंपोनेंट्स भी डिफरेंट होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, इंक के कलर, इंक का जो डॉट है ना, उसके कलर्स को सेपरेट कर लो पिगमेंट्स को। तो अगर सेपरेट पिगमेंट आ गए तो पता चल जाएगा कि सेपरेट इंक थी वो। तो वो कलर्ड कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो बेस्ट टेक्निक यूज की जाती है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसमें करते क्या है, बहुत सिंपल सा, एक ग्लास का स्लाइड होता है, इस ग्लास के स्लाइड के ऊपर एक पेस्ट डाल देते हैं एडजॉर्बेंट का, सिलिका जेल का मान लो, उसके ऊपर पेस्ट है सिलिका जेल का लगा देते हैं, फिर इसको ड्राई कर लेते हैं, तो आपका रेडी हो गया ग्लास। इसके ऊपर आप इंक लगा दो जो आपको सेपरेट करनी है, लगा दिया आपने इंक। अब क्या करो, इसको एक ग्लास में रखो, ग्लास जार में रखो, और इस ग्लास जार के नीचे एक सॉल्वेंट लगा देते हैं, इसको इलुएंट कहते हैं। ठीक है, अब सॉल्वेंट क्या ऊपर जाएगा, इस यहाँ पे एडजॉर्बेंट का पेस्ट है ना, तो ऊपर जाएगा, मूव करेगा ऊपर, ये तो ऊपर मूव करेगा तो ये इसको डिजॉल्व कर लेगा ये, और फिर ये ऊपर जाता रहेगा, और इसके जो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होंगे उनकी डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन डिफरेंट होती है अपॉन दिस एडजॉर्बेंट। मान लो इसमें तीन कॉम्पोनेंट्स हैं ए बी और सी, तीन कलर्ड कॉम्पोनेंट्स हैं ए बी और सी, तो उन तीनों कलर्ड कॉम्पोनेंट्स की जो डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन है वो सिलिका जेल के ऊपर अलग अलग है। तो जैसे जैसे लिक्विड ऊपर जाएगा, तीनों कॉम्पोनेंट ऊपर जाएंगे, जो कॉम्पोनेंट ज़्यादा एडजॉर्ब होगा वो पहले यहाँ आ जाएगा, कॉम्पोनेंट ए, फिर मान लो सी, उसके बाद फिर बी, तो ए ज़्यादा एडजॉर्प्शन पावर है ए, सी बी, तो जो ज़्यादा एडजॉर्ब होगा वो पहले आ जाएगा, तो इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन, डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स। ठीक है ना, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से आप कर सकते हो। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमैटोग्राफी इज पार्टीशन। देखो क्रोमैटोग्राफी ना एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी भी हो सकती है, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी भी हो सकती है। जो थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी है और कॉलम क्रोमैटोग्राफी है वो एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में आते हैं। जैसे मैंने अभी थिन लेयर का एग्जाम्पल बताया, उसमें क्या था, पहले तो एडजॉर्प्शन समझो क्या होता है, किसी भी चीज़ का सरफेस पे स्टिक हो जाना उसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। जैसे हम बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो लिख रहा हूँ मार्कर से, मार्कर से लिख रहा हूँ तो बोर्ड के ऊपर इंक होती है या अंदर घुस जाती है, ऊपर ही होती है, उसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे होता नहीं सालों पुराना बोर्ड होता है उसमें इंक लगी रह जाती है, साफ करो तब भी उस पर इंक लगी रह जाती है क्योंकि उस पर एडजॉर्ब हो चुकी है इंक। समझ में आ गई बात। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का टाइप है, उसमें जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं इंक के उनकी डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन डिफरेंट है सिलिका जेल के ऊपर, इसलिए अलग अलग जगह पे आ जाते हैं। एक होती है पेपर क्रोमैटोग्राफी, ये पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, इसमें आप दो इनमिसिबल लिक्विड्स लेते हो, यहाँ पे एडजॉर्प्शन नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे मोस्ट कॉमन स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है, इसका आंसर एडजॉर्प्शन टिक कर देते हैं, एडजॉर्प्शन ही पार्टीशन है। ठीक है, क्योंकि पार्टीशन के बारे में पढ़ा ही नहीं होता, एडजॉर्प्शन पढ़ा होता सिर्फ। तो पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ इसका, इसमें प्रिंसिपल ये है कि जो कॉम्पोनेंट्स हैं मिक्सचर के जिसको आप सेपरेट करना चाहते हो उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है डिफरेंट सॉल्वेंट्स में, ये इसका प्रिंसिपल है। देखो तो पढ़ते हैं पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी इज बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल पार्टनिंग ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेजेस। ये थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा लिख दिया, समझाता हूँ क्या, ये कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल पार्टनिंग मतलब लगातार पार्टीशन होती रहेगी कॉम्पोनेंट्स की मिक्सचर। मान लो ये स्पॉट है, इसके कॉम्पोनेंट्स को आपको सेपरेट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पेपर क्रोमाटोग्राफी एक टाइप है पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी का। इन पेपर क्रोमाटोग्राफी अ स्पेशल क्वालिटी
पेपर नोन एज क्रोमैटोग्राफी पेपर इज यूज, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी पेपर कंटेन्स वाटर ट्रैप्ड इन इट। तो क्रोमैटोग्राफिक पेपर क्या होता है, उसमें अंदर मतलब गीला कागज होता है, पानी उसमें ट्रैप्ड होता है, जो स्टेशनरी फेज होता है। तो ये जो आप ये पेपर है, ये देखो ये क्रोमैटोग्राफी पेपर है, ये इसके अंदर पानी फंसा हुआ है, डिप किया हुआ इसको पानी में, इसके ऊपर आपने स्पॉट लगा दिया, ठीक है। अ स्ट्रिप ऑफ क्रोमैटोग्राफी पेपर स्पॉटेड एट द बेस विद सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर इज सस्पेंडेड इन अ सुटेबल सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स। इसको सेपरेट करना स्पॉट को, यहाँ नीचे एक सूटेबल सॉल्वेंट जो कि वाटर नहीं है, वाटर तो इसके अंदर ट्रैप हुआ हुआ है, इसके अंदर कोई सॉल्वेंट होता है नीचे। दिस सॉल्वेंट्स एक्ट एज मोबाइल फेज। दो फेज हो गए, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज तो वाटर हो गया, क्योंकि वाटर थोड़ी मूव कर रहा है, वाटर तो इसके अंदर ट्रैप हो गया पेपर के अंदर, और ये जो नीचे सोल्यूशन रखा है, सॉल्वेंट रखा है, ये ऊपर मूव करेगा, ये हो गया मोबाइल फेज। हो गए दो फेज। द सॉल्वेंट राइजेस अप द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के जरिए ऊपर जाता है ना, जैसे अगर आप किसी गीली जगह पे खड़े हो जाओ कपड़े पहन के, तो कपड़े के ऊपर आपके आने लगेगा पानी, उसको कैपिलरी एक्शन है, तो ऊपर जाएगा वो। द पेपर सिलेक्टिवली रिटेन्स डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरिंग पार्टीशन इन टू फेजेस। ये पता क्या है, ये जो स्पॉट, पहली बात तो ये जो सॉल्वेंट है और वाटर है, ये इनमिसिबल है, ये मिक्स नहीं करते, ठीक है ना। तो जब ये ऊपर जाएंगे, तो ये जो स्पॉट के अलग अलग मान लो तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, ए बी सी डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी ना इन दोनों में अलग अलग है, सॉल्वेंट में और वाटर में। तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होने के कारण जब सॉल्वेंट मूव करेगा इसमें, तो जितना इसके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स मूव करेंगे वो डिफरेंट होगा, दे विल मूव बाय डिफरेंट अमाउंट्स, ठीक है बात है। तो बस फिर ये इसको कहते हैं पार्टीशन कॉफिशेंट, मतलब ड्यू टू देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन दीज टू सॉल्वेंट्स, द कॉम्पोनेंट्स ए बी एंड सी विल मूव बाय डिफरेंट अमाउंट्स, ठीक है। तो मान लो ए बी सी ऐसे अलग अलग अमाउंट से मूव करेंगे वो, तो बस फिर अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, दैट्स इट। तो पार्टीशन कॉफिशेंट, इसको पार्टीशन कॉफिशेंट कहते हैं, तो इनका पार्टीशन कॉफिशेंट, यहाँ पर एडसॉर्प्शन की बात नहीं है, सॉल्युबिलिटी की बात है। तो क्रोमैटोग्राम बन जाता है, द स्पॉट्स ऑफ द सेपरेटेड कलर्ड कंपाउंड्स आर विजिबल एट डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इनिशियल स्पॉट, ठीक है ना। द स्पॉट्स ऑफ द सेपरेटेड कलरलेस कंपाउंड्स मे बी ऑब्जर्व इधर अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर कोई और स्प्रे करके, मतलब जो अलग अलग स्पॉट्स में, इसको यूवी लाइट में देख सकते हो या फिर कुछ स्प्रे करके देख सकते हो। तो हो गया। कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू इंक्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉम्पोनेंट्स बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज इन पेपर क्रोमाटोग्राफी। सही है बात है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको, ठीक है, सही है बात है। द कलर्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंक्स माइग्रेट एट डिफरेंट रेट्स बिकॉज पेपर सिलेक्टिवली रिटेन्स डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन देयर पार्टीशन बिटवीन टू फेजेस। यस करेक्ट, दो फेजेस के बीच में उसका पार्टीशन कॉफिशेंट अलग अलग होता है, ठीक है। रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, सारा सही है।